हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम बनाएंगे बाजरे के ढेबरे। तो ढेबरे बनाने के लिए हमने लिए आधा कप मेथी, आधा कप दही और एक कप हमने लिया है बाजरे का आटा। दो चम्मच तिल ले लिए है और थोड़े से लहसुन को कूट के हमने ले लिया है। अब हम मेथी को एक पैन में डालेंगे। उसके बाद हम कूटे हुए लहसुन को डालेंगे इसमें। अब तिल डाल देंगे। अब डालेंगे हम आटा। एक चम्मच नमक, आधा चम्मच हल्दी, लाल मिर्च स्वादानुसार, और एक चम्मच धनिया जीरा पाउडर हम इसमें डालेंगे। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिला लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे दही और आटा गूंद लेंगे। थोड़ा सा दही हम बाउल में ही रहने देंगे, अगर हमको ज़रूरत पड़ेगी तो ही डालेंगे। अब हम बचा हुआ दही डालेंगे इसमें और आटे को हम थोड़ा सा कठिन ही गूंद लेंगे। अगर आटा नरम होगा तो ढेबरे अच्छे नहीं बनेंगे। तो इस तरह से हम सारे आटे को अच्छे से सेट कर लेंगे। अब आटा सेट हो चुका है। हाथों में हम थोड़ा ऑयल लगा लेंगे। और अब हम छोटे से लुआ काट लेंगे और इसे उंगलियों से प्रेस करते हुए धीरे धीरे पटक लेना है। तो इसी तरह से उंगलियों के बीच रख के पटकेंगे हम इसे। तो देखिए हमारा ढेबरा बन चुका है। इसी तरह से हम तीन चार ढेबरे बना लेंगे। अब एक कढ़ाई में हमने तेल गरम करने रख दिया है। थोड़ा सा आटा डाल के देखेंगे, तेल गरम हो चुका है। अब हम ढेबरे डाल देंगे उसमें और ढेबरे को हम मीडियम आंच पे ही तलेंगे। तो ऊपर से थोड़े से गोल्डन हो चुके हैं। अब हम इसे पलट देंगे। ढेबरे को हम गोल्डन ब्राउन होने तक तलेंगे। अभी भी बबल्स आ रहे हैं तो मतलब ढेबरे अभी भी पक रहे हैं। अभी से हम एक बार पलट लेंगे। तो अब ये अच्छे से तल चुके हैं, गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। तो अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसी तरह से हम सारे ढेबरे बना लेंगे।
तो आज का मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।